हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला आंवला कैंडी। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये आंवले मैंने 3 दिन तक डीप फ्रीज में पॉलीथीन में करके रखे हुए थे। फिर इसका जो ये हिस्सा होता है फ्रीज़र, इसके अंदर रखे हुए थे 3 दिन तक। अब मैंने इनको निकाल लिया है और इनकी ऑटोमेटिक ही कलियाँ निकलने लगी है। देखिए, अब हम इसमें शुगर पाउडर, मैंने ये शुगर पाउडर पीस लिया है, इसको मिला के रखेंगे हम इसमें। देखिए फ्रेंड, ये मैंने सब कलियाँ कर ली हैं इसकी। ये 3 दिन तक फ्रिज के अंदर रहा, फ्रीज़र में रहे हैं। इनको मैंने पॉलीथीन में कस के बांध के और डीप फ्रीज़र में रख दिए थे। उसके बाद ऑटोमेटिक इनकी कलियाँ बाहर जब हम निकालेंगे इनको, तो आधे एक घंटे धूप में रखने के बाद ऑटोमेटिक इनकी कलियाँ अपने आप ऐसे निकल जाएंगी जब हम इनको निकालेंगे। ऐसे ऐसे बीज अलग कर दिया है, सबके बीज अलग कर दिए हैं ऐसे, और जो ख़राब आंवले थे वो हटा दिए हैं मैंने, दाग वाले। अब इसके अंदर हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे जो मैंने अभी अभी पीसा है। ये करीब आधा किलो आंवले हैं और आधा किलो आंवले में आधा किलो ही शक्कर का पाउडर ये मिक्स कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स करके और बर्तन में हम फॉइल लगा देंगे ताकि आंवला बर्तन को काला कर देता है, तो वो बर्तन काला नहीं होगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दूसरे बर्तन में करके और ये सिल्वर फॉइल इसके नीचे लगा दिया है ताकि हमारा बर्तन काला ना हो। और इसे हम डेली डेली धूप में रखेंगे और जब शाम हो जाएगी तो वापस अंदर ला के रखना है इसे, और इसे हम ढक के धूप में रखेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको धूप में रखूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 6 दिन धूप में रखे हैं आंवला कैंडी। उसके बाद हमारी कैंडी बन करके एकदम रेडी है खाने के लिए। इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है। इस पे शक्कर का बूरा पीस के डाला था, वो पूरा अब्जॉर्व कर लिया है इसने। देख लीजिए, आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए आंवला कैंडी।